तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। चलिए अमीश बताइए, एक पॉइंट बताइए इतने। मैम स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो है वो हाई एयर जो रेडिएशन एमिट होता है वो एक विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे होता है, जबकि अगर हम लोग बात करें स्टिमुलेटेड एमिशन की तो उसमें मैम वो जो एमिट होगा वो फोटॉन के इंसिडेंट होने की वजह से होता है। ठीक है, बाहर का इन्फ्लुएंस होगा या बाहर एक्सटर्नल एनर्जी होगी तभी वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर में आएगा स्टिमुलेटेड में। ठीक है, दोनों पॉइंट्स ठीक है, दोनों का एक एक हो गया। चलिए सेकंड, और कोई इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? स्पॉन्टेनियस बहुत रैंडम होते हैं डायरेक्शंस और वो यूजुअली एलईडी में पाए जाते हैं और स्टिमुलेटेड वाला लेजर बीम। देखिए आपने एक पॉइंट तो ठीक बोला, एक में एग्जांपल गलत ले लिया थोड़ा सा। जो हमारा लेजर सोर्स है वो हमारा स्टिमुलेटेड का एग्जांपल हो गया और जो ऑर्डिनरी सोर्स हो गया वो हमारा स्पॉन्टेनियस का हो गया। डायरेक्शन का भी बिल्कुल ठीक हो गया तुम्हारा कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन है वो रैंडम डायरेक्शन में होता है तो उसकी जो बीम मिलेगी वो मल्टी डायरेक्शनल होगी, जबकि जो लेजर बीम मिलेगी वो यूनिडायरेक्शनल होगी। ठीक है, डायरेक्शनलिटी कह लीजिए या हाई होगी उसकी डायरेक्शनलिटी। इसके अलावा चलिए, देवयांशी ने बिल्कुल दो पॉइंट बताए, ठीक बता दिए। और कोई इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? लाइट जो है जो ऑर्डिनरी सोर्स से मिलती है वो नॉन कोरेंट होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत सारी वेवलेंथ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, जबकि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वहां पर हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट मिलता है, कोहरेंट लाइट मिलता है, हाईली इंटेंस लाइट मिलता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे हाईली इंटेंस होगा तो वहां पे लेस इंटेंसिटी होगी। तो पहले आप पॉइंट यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है इसको भी लिख सकते हो, या जो हमने स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड की डेफिनेशन लिखी थी वो भी लिख सकते हो। तो जो इजी लगे वो लिख सकते हो। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन का ही हो गया कि एक में एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक में एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक स्पॉन्टेनियसली इमिजिएटली खुद हो जाता है स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। तो एमिशन ऑफ लाइट फोटोन टेक प्लेस इमिजिएटली ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ एटम्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, जबकि स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन में द एमिशन ऑफ लाइट फोटोन टेक प्लेस बाय इंड्यूसमेंट ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू एमिटेड फोटोन एनर्जी। फिर सेकेंड पॉइंट है, द एमिशन हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, जबकि यहाँ पे क्या होगा, द एमिशन ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन हैज सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। थर्ड, इनकोहेरेंट रेडिएशन। इनकोहेरेंट मतलब जो लाइट निकलेगी उनका फेज डिफरेंस अलग अलग होगा, जबकि यहाँ पे कोहेरेंट रेडिएशन की लाइट मिलेगी मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट होगा या होगा ही नहीं। फिर लेस इंटेंस होती है स्पॉन्टेनियस एमिशन की लाइट, स्टिमुलेटेड एमिशन से जो लाइट मिलती है वो हाईली इंटेंस होती है। स्पॉन्टेनियस लेस डायरेक्शनलिटी होता है, यहाँ पे हाई डायरेक्शनलिटी होती है, एग्जाम्पल मर्करी लैम्प और लेजर सोर्स। तो अगर यही क्वेश्चन जो है ये आ जाए, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सोर्स और लेजर सोर्स, तो जो हमने स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड का डिफरेंस लिखा है यही हमारा लेजर सोर्स और ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स का डिफरेंस हो जाता है ऑफ लेजर। तो क्वेश्चन लिखिए, फिर एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन। पहला है, पॉपुलेशन इन्वर्जन शुड बी अचीव्ड। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्यों अचीव्ड हो जाना चाहिए? क्योंकि हम स्टिमुलेटेड एमिशन चाहते हैं, और स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे। अगर नॉर्मल स्टेट की बात करें तो नॉर्मली एटम्स क्या होंगे? लोअर एनर्जी लेवल में होंगे, तो एमिशन नहीं हो सकता, तब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। हमें एमिशन चाहिए, बीम चाहिए, तो कब होगी? जब नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे। तो पहला कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड हो जाना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन कब अचीव्ड होगा? तो होता क्या है, अभी तक मैं लेजर में जितनी भी चीजें आपको समझा रही थी वो टू एनर्जी लेवल्स डायग्राम से समझा रही थी, वो सिर्फ समझाने के लिए था। बट एक्चुअल में लेजर में क्या होता है कि टू एनर्जी लेवल
पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमें पता है कि अगर टू एनर्जी लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, E1 और E2 की, एक ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं और एक एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं, तो जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है उसका लाइफ टाइम 10^-8 सेकेंड होता है, जो कि काफ़ी शॉर्ट टाइम है. तो जब जैसे ही हमारे एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे और यहाँ ज़्यादा होंगे, 10^-8 सेकेंड बाद वो वापस से नीचे आ जाएंगे और फोटोन एमिट करेंगे, तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन नहीं हो सकता और पॉपुलेशन इन्वर्जन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्टेट है इसका लाइफ टाइम कम है. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड करने के लिए एटलीस्ट हमारे पास 3 एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, ठीक है, जिसमें एक हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, एक हमारा एक्साइटेड स्टेट होता है और एक हमारा मेटास्टेबल स्टेट होता है. ग्राउंड स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट. मेटास्टेबल स्टेट कैसे बनते हैं, मैंने बताई दिया, इम्प्योरिटी की वजह से ऐड होते हैं, ठीक है. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होने के लिए एटलीस्ट 3 एनर्जी लेवल्स होने चाहिए. तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं और एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम 10^-8 सेकेंड बाद क्या होगा, 10^-8 सेकेंड है. एटम्स या तो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन के थ्रू या वाइब्रेशंस के थ्रू या स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के थ्रू E3 स्टेट से E2 स्टेट में मूव कर जाते हैं. और जो E2 स्टेट है ये हमारी मेटास्टेबल स्टेट है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. मेटास्टेबल स्टेट है, इसका लाइफ टाइम 10^-3 सेकेंड टू 10^-5 सेकेंड होता है, तो यहाँ पर ज़्यादा देर रुक सकते हैं. तो एक टाइम क्या आता है कि E1 और E2 के बीच में पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड हो जाता है, क्योंकि मैटर, ये मैटर स्टेबल स्टेट है, यहाँ पे एटम ज़्यादा देर रुक सकते हैं. तो एक टाइम आएगा कि E2 स्टेट में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो जाएंगे और E1 स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाएंगे, तो स्टिमुलेटेड एमिशन हम करा सकते हैं. तो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड करने के लिए 2 चीज़ हो गई, एक तो मैटर स्टेबल स्टेट होना चाहिए, दूसरा 3 लेवल स्कीम होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, और थर्ड कंटिन्यूसली एनर्जी का सप्लाई होना चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी का. बाहर से अगर कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एनर्जी जाएगी तभी एटम्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल E3 में मूव करेंगे, ठीक है. तो कंटिन्यूसली पंपिंग भी होती रहनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकेंड पॉइंट में क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन शुड बी प्रोमिनेंट ओवर स्पॉन्टेनियस एमिशन. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, लेजर बीम चाहते हैं. लेजर बीम किसके थ्रू मिलती है, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू मिलती है. अब E2 स्टेट से E1 स्टेट में जो एटम्स आ रहे हैं, मैं फिलहाल इसको यहाँ पे बाकी क्लियर कर दे रही हूँ, है ना, 3 लेवल्स ही बना रही हूँ. अब हम क्या कह रहे हैं, E2 स्टेट्स में मैक्सिमम एटम्स हैं. अब E2 स्टेट से E1 स्टेट में जो एटम्स हैं वो 2 प्रोसेस के थ्रू आ सकते हैं. 10^-3 सेकेंड बाद भी एटम को वापस E1 स्टेट में आना ही है, ठीक है. तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन भी हो सकता है, 10^-8 सेकेंड बाद खुद से आ जाए, और स्टिमुलेटेड एमिशन भी हो सकता है कि बाहर से हमने इस फोटोन को इंसिडेंट किया और उसने इसको स्टिमुलेट किया हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए. हमें मैक्सिमम एटम क्या चाहिए, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू चाहिए, जो ट्रांजिशन चाहिए मैक्सिमम एटम्स के अंदर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होना चाहिए. तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोमिनेंट करना चाहिए ओवर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन, जिससे हमें लेजर बीम मिले. लास्ट है ऑप्टिकल रेजोनेटर और कैविटी टू क्रिएट हाई रेडिएशन डेंसिटी. तो ये वाला पॉइंट लेक्चर के लास्ट में क्लियर होगा कि ऑप्टिकल रेजोनेटर और कैविटी भी फॉर्म होनी चाहिए जिससे हमें इंटेंसिटी हाई मिल सके.